शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटियां आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। मुरादाबाद के गांव बादलपुर के मड़िया में रहने वाली ये बेटी आगे चलकर टीचर बनना चाहती है। 10वीं की परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली इस बेटी का नाम रूबी है, जो ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है। इस बेटी की तमन्ना है कि वे टीचर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। हमारे संवाददाता ने जब इस बेटी से बात करनी चाही तो इस बेटी द्वारा इस तरह अपने इजहार ख्याल किया गया। कितना समय आप कितना घंटा पढ़ते थे घर पे? हम 3 घंटे। तो अब आगे क्या बनने का है? तुम्हारे मन में क्या रहता है कि आगे बड़े होगे क्या बनोगे? मास्टर। टीचर बनोगे? हाँ। तो मम्मी पापा का सहयोग मिलता है पढ़ाई में आपको? आगे कौन से स्कूल में जाने का है आपका, कहाँ पढ़ने का है? अच्छे स्कूल में। घर पे जो आप जो बहने वहने हैं आपकी बड़ी, उनका सहयोग मिलता है पढ़ने में आपको? क्या कहना चाहती हो अपनी जैसी लड़कियों से जो अभी नहीं पढ़ पाई हैं, उनसे क्या कहना चाहती हो? सब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आगे बड़े होकर टीचर बनना चाहती हो? हाँ। अब जैसे रमजान चल रहे हैं तो रमजान के मौके पे क्या कहना चाहती हो? ईद की मुबारकबाद। वहीं इस बेटी की वालिदा का कहना है कि उनके द्वारा बेटियों को भी बेटियों की तरह तरबियत दी जा रही है। वे बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं समझती। उनकी तमन्ना है कि उनकी बेटियां भी आगे बढ़कर उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करें। क्या नाम है आपका? भूरी। कौन से गांव में रहती हैं आप? बाहरपुरी में नहीं। अच्छा, आपकी बेटी ने 10वां पास किया है, कैसा? हाँ। लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। कितना सहयोग रहता है आपको बेटी को? जैसे आजकल लोग जो है बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते, तो आपके मन में क्या रहता है? मन में यही है, खूब पढ़ा। जैसे आजकल गांव देहात में बच्चों को नहीं भेजते पढ़ने के लिए। हाँ। क्या डर बना रहता है लोगों के, तरह तरह की बातें होती हैं, तो आपकी बेटी पढ़ना जाती है तो आपको कोई ऐसा लग? ना, हमें कोई इतरा नहीं। हमें तो यही अच्छा समझ चाहो कि खूब पढ़े, अच्छी पढ़ लिख के बढ़िया मास्टर बननी चाहिए। हाँ। बेटी का सपना टीचर बनने का है, तो आपका कितना सहयोग रहेगा इसके लिए? सही रहेगा। चाहती हो आप भी कि बेटी पढ़ के आगे बने? चाहते हैं हम, हमारी लड़की पढ़े खूब।